नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि पिछले कुछ वीडियो से हमने एक ज्योतिष ज्ञान के नाम से सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें शुरू से लेके अगर अंत तक आप वो सारे वीडियोस देखते हैं तो एक अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं। अभी तक करीब 40-42 वीडियो हो चुकी हैं। अभी हम लोग दशा के बारे में पढ़ रहे हैं इसके अंदर। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि दशा कैसे इंसान की प्रकृति को चेंज करती है। चंद्रमा की दशा हो, सूर्य की दशा हो, मंगल की दशा हो, बुध की दशा हो, तो इंसान कैसा बन जाता है, उसका ऑरा कैसा बन जाता है। अगर जाता क्योंकि महादशा मैं इसमें आपको एक बार दिखा देता हूँ तो उससे आपको जरा आसानी होगी। महादशा जो होती है वो इंसान का ऑरा चेंज करती है। जो फल देने वाली होती है वो अंतरदशा होती है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, महादशा केवल इंसान की प्रकृति को चेंज करती है। तो प्रकृति कैसी हो जाती है जब किसी ग्रह की महादशा आती है, तो कैसी प्रकृति हो जाती है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। शनि की महादशा आती है तो आदमी थोड़ा आलसी भी हो जाता है, अगर शनि थोड़ा कमजोर है उसका। चीजों को बहुत डीप से सोचने लगता है, चीजों को बहुत डीप से बैठे करने लगता है, वो सब चीजें उसकी दशा में हो जाती है। उसकी प्रकृति थोड़ा बीमार बीमार फील होता है, उसको रोग से दशा से रोग हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, ढीला ढाला महसूस होता है, काम धीरे धीरे होते हैं उसके, तो वो सब चीजें शनि की महादशा में होते हैं। क्योंकि शनि की प्रवृत्ति ऐसी, तो ऐसी प्रवृत्ति आपकी बना देता है। और यही मैंने आपको बताया कि महादशा जो है वो आपकी प्रकृति चेंज करती है और अंतरदशा आपको फल देती है। अगर महादशा ने आपकी प्रकृति बना रखी है कि आप बहुत अनुशासित रहेंगे, आप बहुत अच्छे रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, तो आप जो अंतरदशा से मिलने वाले फल हैं उनको एंजॉय कर पाएंगे ठीक से। और अगर महादशा ने प्रकृति ऐसी बना दी है कि आप अनुशासित नहीं रहेंगे और आपके अंदर एनर्जी कमी होगी, आपके अंदर आलस्य होगा, तो अंतरदशा अगर आपको अच्छे फल भी देती है तो आप उनको एंजॉय नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो ये बहुत जरूरी है कि महादशा के साथ साथ अंतरदशा या अंतरदशा के साथ साथ महादशा भी आपका अच्छी होनी चाहिए। अब गुरु की जब महादशा आती है तो क्या होता है, सबसे पहले ये वाली चीज है कि गुरु की महादशा में इंसान की प्रकृति चेंज हो जाती है। गुरु की महादशा आएगी तो इंसान ज्ञान की बातें करना शुरू कर देगा, ज्ञानी वाली बात करना शुरू करेगा। ज्ञान उसके अंदर ऐसा लगेगा इसमें ज्ञान ही आदमी बातें कर रहा है, वो मान सम्मान की उसकी वृद्धि होती है, चारों तरफ उसको मान सम्मान मिलता है। अगर गुरु की दशा हो, ये मैं गुरु वही गुरु बता रहा हूँ जो आपको, जो गुरु केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, उस गुरु की बात कर रहा हूँ जो गुरु बलशाली हो। अगर गुरु वीक है, गुरु पीड़ित है, छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा है, तो उस केस में प्रॉब्लम नेगेटिव रिजल्ट हो जाते हैं। जैसे रिजल्ट मैं बता रहा हूँ उसके अपोजिट रिजल्ट उसमें मिलते हैं। तो गुरु की दशा आती है, गुरु अच्छा कुंडली में आपकी है तो मान सम्मान होगा आपका, ज्ञान की वृद्धि होगी, आपका प्रताप की वृद्धि होगी, आप कोई पॉलिसी बनाएंगे उससे आपको लाभ मिलेगा, पॉलिसी बनाने को आपका मन करेगा, धन आगमन, धन की आगमन आपके उसमें आता रहेगा, धन आगमन रहेगा, सुख और संतोषी महसूस करेंगे आप अपने आप को उस प्रकृति, क्योंकि प्रकृति ऐसी हो जाएगी कि भाई गुरु की दशा है तो बड़े शांति प्रिय हो जाएंगे और सुखी और संतोषी हो जाएंगे। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि कोशिश करना कि भाई इसको पाना ही है या इसको लेना ही है, ऐसी चीज आपके अंदर नहीं रहेगी, संतोष आ जाएगा, संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है उस दशा के अंदर। अगर आप संतान के लिए जा रहे हैं तो धार्मिक और मांगलिक कार्यों में रुचि बन जाती है गुरु की दशा के अंदर, ये ध्यान रखने वाली बात है। वेद पुराण और शास्त्रों के ज्ञाता, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस दशा में आपका मन करता है कि आप वेद पुराण पढ़ें अपने, या ऐसी कुछ चीजें पढ़ें जिससे कि नॉलेज मिले आपको। तो ये सारी चीजें बृहस्पति की दशा में होती हैं, जब बृहस्पति आपका कुंडली में वेल प्लेस्ड हो और बृहस्पति आपका अच्छा ना हो तो आदमी सुखी और संतोषी नहीं रहता, धार्मिक और मांगलिक कार्यों में उसकी रुचि नहीं लगती, कुछ वेद पुराण पढ़ने को उसका मन नहीं करता, ज्ञान की ढंग से बात नहीं कर पाता, उतना ज्ञान नहीं हो पाता। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात है। मतलब जरूरी ये है कि ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मजबूत हो, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो और शुभ ग्रहों से ग्रस्त। इसके बाद आते हैं हम शुक्र पे। शुक्र की दशा आए और शुक्र अगर आपका केंद्र त्रिकोणीय लाभ भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, तो शुक्र की दशा में क्या हो? देखिए, शुभ भी ज्ञान देता है। एक गुरु जो थे वो देवताओं के गुरु थे, शुक्र तो दैत्यों के गुरु थे, तो दोनों ही ज्ञान देने वाले। तो जैसे गुरु ज्ञान देता है ऐसे ही शुक्र ज्ञान देता है। तो शुक्र की दशा में भी आप ज्ञानियों वाली बातें करते हैं, आप ज्ञानियों की तरह बिहेव करते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। शुक्र की दशा में थोड़ी बेफिक्री आ जाती है, ये जरूर रहता है कि थोड़ी बेफिक्री आ जाती है, कि रासिक प्रवृत्ति इसकी होती है शुक्र की, तो थोड़ी बेफिक्री इसमें जरूर आती है और इसमें कामनाएं आपकी बढ़ जाती है।
अब कामनाएं बढ़ने का भी कुछ रीजन है। अब कामनाएं बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ये नहीं कामनाएं आपकी बढ़ गई तो जो आप सोच रहे हैं कि आप बड़ा बंगला ले लें या बड़ी गाड़ी ले लें या बस यही कामनाएं आपकी बढ़ गई। कामनाएं मतलब बढ़ने का मतलब यह है कि आपकी कामनाएं अच्छे क्षेत्र में भी बढ़ जाती हैं कि यार ज्ञान लेना चाहिए, कुछ कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि भलाई हो सके समाज की, इस तरह की कामनाएं भी आपकी बढ़ती। और बेफिक्री का माहौल तो होता है अगर बच्चों को ये दशा बच्चों बचपन की उम्र में आए, मतलब जिसे कहते हैं कि 12-15 साल के आसपास या 17-18 साल के आसपास आए, तो बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, बच्चों का शुक्र की दिशा में थोड़ा बहकने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि ये बेफिक्री पैदा करता है इंसान के अंदर। शुक्र जो है फास्ट वर्किंग आदमी चाहता है कि जो कुछ करे वो जल्दी से जल्दी उस सब रिजल्ट आए उसके पास में, तो ऐसी उसकी प्रकृति हो जाती है। फैशन को पसंद करता है वो, कहते हैं कि शुक्र की दिशा अगर बुढ़ापे में भी हो तो आदमी रंगीन कपड़े पहनना शुरू कर देता है, ऐसा बोला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यापार में उसको निपुणता मिलती है, ज्ञान मिलता है उसको, कृषि से लाभ मिलता है उसको, ये सब चीजें उसके लिए अच्छी होने शुरू हो जाती हैं अगर शुक्र कुर्सी कुंडली में अच्छा है। और शुक्र कुंडली में अच्छा नहीं है, छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा हुआ है या तीसरे भाव में बैठा हुआ है, अशुभ ग्रहों से ग्रस्त है, तब तब क्या होगा? तब ये होगा कि आपको बेफिक्री तो रहेगी लेकिन बेफिक्री से आपकी कामनाएं जो बढ़ेंगी वो कामनाओं को पूर्ति आपकी होगी नहीं, और कामनाएं पूर्ति आपकी होंगी नहीं तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि शुक्र आपका अच्छा हो। शुक्र की दशा जब होती है महादशा, और शुक्र अगर अच्छा होता है कि द्विगुण लाभ भाव में है तो विपुल धन की प्राप्ति भी होती है। लेकिन धन प्राप्त कराता है गुरु, गुरु धन का कारक है और विपुल धन का कारक है शुक्र। जो कहते हैं ना कि मल्टी मिलियनर होगा या नहीं होगा, या मैं मेरे पास 100 करोड़ होंगे नहीं होंगे, तो उसके लिए शुक्र देखा जाता है। बेसिक नीड्स के लिए धन जो होती है, या एक सिंपल लग्जरी लाइफ जीने के लिए जो धन होता है वो गुरु से देखा जाता है। लेकिन जब भी विपुल धन की बात आती है तो शुक्र से देखा जाता है। तो शुक्र की महादशा में ये सब चीजों की प्राप्ति होने के चांस होते हैं अगर शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा प्लेस है और बहुत अच्छा भावों का स्वामी। आलस्य कारण भी बन जाता है अगर शुक्र कमजोर है, आपकी वाणी बड़ी मधुर बन जाती है, आकर्षक बन दिखाई देने लगते हैं आप, हार्मोन्स का नियंत्रण हो जाता है, नेत्र की ज्योति अच्छी रहती है, विजन अच्छा रहता है क्योंकि विजन का कारक भी शुक्र है, अपार सुख मिलता है आपको। तो ये सब चीजें हैं शुक्र की दशा में अगर शुक्र आपका कुंडली के अंदर अच्छा है, तो ऐसी प्रकृति आपकी हो जाती है। और जब आपकी ऐसी प्रकृति हो जाए कि आप ज्ञान पाने के लिए तैयार हैं, आपके अंदर एनर्जी है कि जो भी मैं करूं बस फटाफट उसको कर लूं, आपके अंदर कामनाएं भी हैं, तो ऐसे केस में अगर अंतर्दशा किसी ऐसे ग्रह की है जो बहुत अच्छे फल भी नहीं दे रहा है तब भी आप इतने परेशान तो नहीं होंगे कम से कम, और अगर अंतर्दशा ऐसे ग्रह की है जो अच्छे फल दे रहा है तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। आते हैं शनि पे। शनि जो है वो शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि नेगेटिविटी तो नहीं आ गई, ऐसा नहीं। शनि अगर बहुत मजबूत हो तो विपरीत रिजल्ट मिलते हैं। विपरीत रिजल्ट मिलते हैं क्या मतलब है कि शनि दुख का कारक है माना गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, शनि पीड़ा का कारक माना गया है। शनि कमजोर है किसी का तो बीमारी रहेगी, उससे पीड़ा रहेगी, उसको दुख रहेगा, आलस उसके अंदर भरा रहेगा, संतान व नौकरों से उसको फायदा नहीं मिलेगा, उन्हें प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो नौकरों का कारक भी है, सेवकों का कारक भी है, आपके अंडर में काम करने वाले लोगों का कारक भी है, उनसे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। शनि अच्छा ना हो तो आपको जनता से सपोर्ट नहीं मिलेगी क्योंकि मास का कारक भी शनि है, तो नेता के कुंडली के अंदर तो शनि बहुत अच्छा होना चाहिए, राजनेता जो है, काम में रुकावट आएंगी। लेकिन अगर शनि मजबूत है आपकी कुंडली में, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा है, अच्छे गुणों का स्वामी है, शुभ ग्रह से ग्रस्त है, तो नेगेटिविटी से मुक्ति होगी उसकी, ऐसे इंसान वायु विकार, क्योंकि शनि जो है वो वायु विकार लेकर आता है, शनि की दशा में वात रोग होने की संभावना 100% हो जाती है, तो वो वात रोगों से मुक्ति आपकी होगी, आलस से आपकी मुक्ति होगी, आप आलसी नहीं होंगे, आप इनर्जेटिक होंगे, नौकरों से आपको प्रेम मिलेगा, शरीर में आपकी फुर्ती रहेगी, कर्म प्रधान होंगे आप क्योंकि कर्म का कारक भी शनि माना जाता है, कर्म प्रधान होंगे, काम में कोई रुकावट नहीं आएगी आपके, जो भी काम आप शुरू करेंगे वो काम आपका पूरा होगा अगर शनि आपका अच्छा है। ये आपकी प्रकृति बन रही है, आयु की आपकी वृद्धि होगी, कृषि कार्य में वृद्धि होगी, आप अगर कोई राजनेता हैं तो जनता आपकी बातों से बहुत प्रभावित होगी, आप जो बोलेंगे जनता उससे प्रभावित होगी, राज सम्मान आपको मिलेगा, सरकार के पक्ष में कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर सफलता आपको मिलेगी। तो देखिए कितनी अच्छी प्रगति हो जाती है ग्रह अगर अच्छा, और ऐसी प्रगति के अंदर अगर अंतरदशा भी अच्छी आ जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं।
इसके बाद आ जाते हैं राहु। राहु की दशा कहते हैं शनिवत राहु कुछवत केतु, यानी राहु शनि की तरह है और केतु जो है वो मंगल की तरह है, लेकिन राहु की दशा भी आपके अंदर भ्रम और भय की स्थिति पैदा करती है। राहु के लिए बोला जाता है कि भ्रम की स्थिति हो जाती है राहु की दशा के अंदर, आदमी कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है, प्लानिंग बहुत बनाता है, प्लानिंग बहुत करता है कि भाई ये काम कर लेता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, लेकिन वो कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है, पर योजनाएं बनाने में निपुण हो जाता है। ऐसा आदमी जिसकी दशा राहु की चल रही हो, उससे योजना बनवा लो, कोई स्ट्रेटेजी बनवा लो, चाहे वो अच्छी स्ट्रेटेजी बनवाओ चाहे वो उससे बुरी स्ट्रेटेजी बनवाओ, दोनों स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनाए, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक भय और एक भ्रम चलता रहेगा। विदेश यात्रा भी होती है राहु की दशा में, जो राहु विदेश का कारक भी है। दुष्ट स्त्री गमन ये भी होता है, अधार्मिक कार्य, ऐसे कार्य भी आप कर बैठते हैं जो धर्म के विरुद्ध हैं राहु की दशा के अंदर, लेकिन धन धान भी मिलने के चांसेस होते हैं। अगर राहु वेल प्लेस्ड हो तो आपको धन भी मिल सकता है राहु की दशा में, जहां आप अधार्मिक कार्यों में लग जाते हैं, हो सकता है कि धन आपको मिले तो वो अधार्मिक कार्य के थ्रू मिले, मतलब आप गलत तरीके से धन को कमाएं। राहु की दशा में आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, विदेश का कारक है, अग्नि और शस्त्र से भय रहता है, आपको बदनामी आपकी हो सकती है, थोड़ा आपको बच के रहना होता है। राहु की दशा जब आपकी चल रही हो तो अपने आप को संतुलित रखें, अपना व्यवहार संतुलित रखें ताकि कोई ऐसा बदनामी ना हो। फ्रेंड सर्किल में मन ज्यादा लगता है राहु की दशा में, ये अगर सप्तम भाव में राहु आपके है बैठा हुआ तो फ्रेंड सर्किल में मन ज्यादा लगेगा। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं केतु। केतु की दशा में क्या होता है कि इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, अकारण पीड़ा होती है, बंधन महसूस होता है उसे, चिड़चिड़ापन की स्थिति उसकी बन जाती है केतु की दशा में। राहु केतु की दशा इतनी अच्छी दशा नहीं होती, संक्रमण होने के चांस होते हैं, इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है केतु की दशा के अंदर, क्योंकि केतु इन्फेक्शन का कारक, वायरस का कारक है केतु। वायु विकार हो सकता है, चोट लग सकती है केतु की दशा में, कि मंगल कुजवत केतु है तो मंगल भी चोट का पैठ कारक है, तो केतु भी चोट का कारक है, राजा से पीड़ा हो सकती है, झूठा इल्जाम लग सकता है आपके ऊपर, देश छोड़ना पड़ सकता है। केतु की दशा में कोई आप काम छुप के करना चाहते हैं, अगर आप आपका लव अफेयर भी है तो भी आप छुप के करना चाहते हैं उसको, तो वो केतु की दशा में ऐसा होता है। तो केतु की दशा में आपको, राहु और केतु दिशा में आपको थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है, और बाई चांस अगर ये दोनों राहु केतु कुंडली के लगन से 8वें और 12वें भाव में बैठे हों तब तो आपको बहुत संभलना, तब तो ये सब चीजें बड़ी तेजी से होती हैं और इनका प्रभाव काफी नेगेटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य से शनि तक जितने भी ग्रह हैं वो आपकी महादशा में फल देते हैं और उससे आपकी प्रकृति को चेंज किया जाता है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ाएंगे कि सूर्य की महादशा हो तो कैसे फल आपको मिलते हैं, कैसे फल आपको नहीं मिलते हैं, तो वो आपको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, तो अब जो क्लास शुरू हो जा रही है बहुत इंटरेस्टिंग क्लास शुरू हो रही है। हाँ, हालांकि उससे पहले मैं थोड़ा सा अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ कि हम लोग एक एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में इच्छुक हैं, कोर्स करना चाहते हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी का, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।